ब्यूटीफुल। यहाँ पे कैमरा है। आप मोटी नाक बन जाओ, बुढ़ी मोटी नाक। वेलकम बैक टू माय व्लॉग गाइस। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू सो 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 मच कि आप लोग ने इतना प्यार दिखाया मेरे लास्ट व्लॉग को जो मैंने अपनी मॉम के बर्थडे पर बनाया था। इट मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू सो मच। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं अपनी मॉम के सेट पर जाने वाला हूँ, नागिन 6 के सेट पे। आई होप मैं नागिन 6 ही होगा, नागिन के सेट पे जाने वाला हूँ गाइज में। सो वेट एंड वॉच और आगे की स्टोरी देखते रहना गाइज। लव यू। एंड फाइनली वी आर अबाउट टू लीव और मेरी नानी भी रेडी हो चुकी है। आपने इतना तेज कॉफी मारा ना मम्मी, धूप तक आ रही इसमें। सो गाइज वी आर ऑफ टू द सेट, हम निकल चुके हैं और मैं काफ़ी सालों बाद शायद से मॉम के सेट पे जाने वाला हूँ और मम्मी भी काफ़ी सालों बाद जाने वाली हैं। क्या कहना चाहती हो आप? मैं क्या बोलूँगी? आप एक्साइटेड हो सेट पे जाने के लिए? क्या दिखा है बचपन में उसके बहुत ज्यादा, बट आप एक्साइटेड नहीं हो आप सेट पे आने के लिए? चलता है। सो गाइज इनका ये कहना है कि हम रोज ही मॉम को घर पे देखते हैं तो अभी एक्साइटमेंट वाली बात ही नहीं है, वापस जाके उनको वापस से वही शक्ल देखनी है मॉम की, तो इसमें कोई एक्साइटमेंट वाली बात है नहीं, ये कहना चाह रही है मेरी नानी। बट इट्स ओके। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं सेट पे। ले जा रहा है जंगल में ले जा रहा है भाई? मेकअप रूम में सेट अभी वो साइड है और इधर पे सेट है। हेलो, ये है वो शादीशुदा लड़का जिसके शादी पे हम लोग गए थे। कैसा लग रहा है मेरी शादी करके? बहुत खतरनाक। और ये रही हमारी नान, नाम ने माँ को ढक दिया मेरी। गाइज हम अभी सेट पे आ चुके हैं और मैं छुपके से वीडियो बना रहा हूँ ताकि यहाँ पे कोई मुझे पकड़ के रोक ना ले वरना इंसल्ट हो जाएगी मेरी। और मैं आपको एक बात ऐड करना चाहता हूँ, किसी चीज को कोई रोक सके इतनी हिम्मत नहीं है यहाँ पे मैम को। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सचिन को कोई देख नहीं सकता है अभी क्योंकि इतना अंधेरा है, सचिन भी अंधेरा है। शूटिंग तो सिर्फ एक बहाना है गाइज, मेरी माँ का काम है यहाँ पे आके लेटना, आपको कुछ और काम है कि नहीं? लेटने आती आप सेट पे? हाँ लेटने आप सेट पे, ले जाओ भाड़ ले जाओ, गाड़ी भाड़ ले जाओ, ले जाओ ले जाओ, भाड़ छोड़ दे। मजा आ रही है कि नहीं आपको? तुम्हारे पास निकलने का, वापस से पूछता हूँ, मजा आ रही है या नहीं? यहाँ देखो ये सीढ़ी, उसमें तो कितना जमीन आसमान का फर्क है, इतनी अच्छी। So guys, we are on the sets of Nagin and I have to be a little soft. कचरा मत ले। कचरा मत ले मतलब मम्मी मैं सेट दिखा रहा हूँ, कचरा नहीं ले रहा हूँ। लेटने और बैठने के अलावा आपका आज कोई सीन है या नहीं है कि मैं आया हूँ वेस्ट, मेरा वेस्ट मेरा हो गया टाइम? मेरा तो इन्होंने ये महीना सॉलिड पर डे बनवाया। चलो ठीक है, वो भी अच्छा है। तो मतलब गाइज आई डोंट नो अगर मैं आप लोगों से एक्टर्स को मिला पाऊंगा या नहीं, बट आई ट्राई माय बेस्ट। सब आएंगे, सब आने वाले हैं, आज सभी हैं, सब अपने अपने कमरों में बंद हैं, अभी बस ये सीन खत्म हो जाएगा उसके बाद में। गाइस मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं क्या बात करूँ और मैं क्या पूछूँ उनसे, आप हेल्प करना। क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ? मैंने कहा अंदर तो अभी कुछ है ही नहीं और मुझे बिठा के आ गए। तो आप अंदर कर क्या रही थी अकेली? मैं वही
आप नागिन के लिए ऑडिशन क्यों नहीं करती? आप मोटी नाग बन जाओ, बुढ़ी मोटी नाग बन जाओ ना, आपको ऑडिशन में लेकिन बाल भी आपके अच्छे खासे लंबे, आपको ले लेंगे मम्मी। ट्राई करो आप ऑडिशन के लिए, मैं बात करूँ। ठीक है कोई नहीं। कुछ नहीं करती है। So, I am sitting with the cast right now. आपका नाम और इंट्रोडक्शन दे दो। हेलो भाई, मेरा नाम है विशेष। ओके, वन वर्ड फॉर माय मॉम। स्पीचलेस। वन वर्ड फॉर माय मॉम। शी इज लव। वन, इट्स ओके, वन वर्ड फॉर माय मॉम। वन वर्ड, ब्यूटीफुल। अवे। ओ रानी, वो घोड़ा वोड़ा सब हटेगा फिर। यहाँ पे कैमरा है, मॉनिटर पे फिल्म है, मॉनिटर घोड़ा ये सब क्या क्या रखा है, ग्रीन ग्रीन सब आउट करो। अर्जुन अर्जुन मत, अर्जुन मत हिलाना, मैंने बोला ना वही रख लो सेम जगह पे। आपने ऐसा कौन सा मेहनत कर लिया जो आप यहाँ पे मोमोज ठूस रही हो, आप ये बताओ। जो तुमने किया, शूटिंग बेटी कर रही है, मैंने भागम दौड़ की है क्योंकि मैं यहाँ पे थर्ड एडी हूँ। मैं इंस्पेक्शन पे थी। हो, इसलिए भूख लग गई, बहुत इंस्पेक्ट किया लगता है आपने। हाँ, तुमको किया, तुम्हारी माँ को किया। मोमोज ठूस हो, मोमो टाइम। एंड गाइज, हमारा पैकअप हो चुका है, मॉम का शूट अभी भी पेंडिंग है और हम इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि मेरी कुछ को पता नहीं है कि कब शूट होगी, बट बैठे हुए हैं सेट पे एज ऑलवेज। सो आई थिंक अब मैं ये व्लॉग एंड करने वाला हूँ और वेट फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। जब भी मेरी मॉम फ्री होगी तब शायद से हम बना पाएंगे। तब तक के लिए फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू गाइज, बाय।